मेरा नाम है मधुसूदन देसाई और पिक्चर एक्शन मूवी बहुत अच्छी है और एक्शन सीन्स बहुत सारे हैं, एयर फ्लाइट वाले एक्शन सीन, एयर स्ट्राइक वाले एक्शन, ऐसा हमने बहुत कम देखा है हिंदी फिल्मों में। हाँ, वो कितना अलग लगा? लग रहा है कि हम बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में गए ऐसा लग रहा है। पिक्चर देख के बॉलीवुड नहीं दिखता है, हॉलीवुड दिखता है। और ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस एंड कपूर का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है ऐसा। आपका पैसा वसूल हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया पैसा वसूल। और जो डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, उनको कैसे डायरेक्शन नहीं रहे? उनकी पठान मूवी भी उनकी थी ना, उसके हिसाब से अच्छी है। अच्छा, पब्लिक को पसंद आई क्या पिक्चर, क्या लग रहा? हाँ, पसंद आएंगे। गाने अच्छे हैं, बढ़िया है, लास्ट गाना भी बहुत अच्छा है। और जो विलन है, विलन अजय, अजय अजय, उसका काम तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है काम है। पैसा वसूल आपका? हाँ, पैसा वसूल। थैंक यू सर। रेटिंग क्या, 5 में से क्या देंगे? 4। अच्छा, थैंक यू सर। कैसी लगी, क्योंकि आप हर हफ्ते फिल्में देखते हैं, आप फिल्मों को शूटिंग क्या करते हैं? सर, बहुत अच्छी लगी फाइटर फिल्म। 26 जनवरी का माहौल है, देशभक्ति का पिक्चर है और सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन है। ये सब का बहुत इंतज़ार था और आज इंतज़ार पूरा सफल हुआ और पिक्चर में इतने अच्छे अच्छे सीन दिए हैं, पुलवामा ने ये ने वो सब जो दिखाया, बहुत ही बढ़िया दिखाया है और लोगों की आंखें खुल गई कि सच्ची घटना क्या होती है। क्या लगता है पिक्चर जो है आजकल ऐसी फिल्म काफ़ी बनी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर? हाँ हाँ, ये आपको अलग लगी और क्या लगता चलेगी? इंडिया पाकिस्तान के पर पिक्चर बनी है और ये माहौल भी अभी देशभक्ति का है तो ये ज़रूर चलेगी, क्योंकि आज वर्किंग डे है, गुरुवार है, इसलिए कम भीड़ है और शुक्रवार का सब इंतजार करते हैं। कल से ये पिक्चर फुल पकड़ेगी। परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, ऋतिक रोशन, दीपिका, आशुतोष राणा छोटा सा रोल था उनकी वाइफ का, कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस लगी। और विलन बहुत बढ़िया, विलन भी जो नया है उसका भी रोल बहुत अच्छा, विलन का जो काम है वो है विलन का, और आशुतोष राणा का भी थोड़ा बहुत अच्छा रोल दिखाया है, बहुत छोटा लेकिन बहुत मार्मिक। ऋतिक रोशन एज एन एक्टर, ऋतिक रोशन बॉलीवुड का हीरो लगता है, अभी तो गजब खिल गया है और एक्टिंग पर्सनालिटी जिसका कोई लिमिट नहीं है, वेरी गुड। अनिल कपूर ने जहाँ परेशान किया था रणबीर कपूर का एनिमल में, तो कि यहाँ पर भी परेशान कर ऋतिक रोशन का, वो क्या लगा? थोड़ा लगा वैसा, लेकिन वो अपना ड्यूटी निभा रहा था। जी, मजा है पिक्चर देख के, पिक्चर देख के फुल पैसा वसूल है और खून भी खोल उठा और मजा भी आया। पब्लिक को देखनी चाहिए, 100% देखनी चाहिए। रेटिंग के 5 में से आपकी सर? रेटिंग मेरे हिसाब से तो 5 में 5 ही दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे लगी फाइटर, क्या कहते हैं? फिल्म चकास, अनिल कपूर वी लव यू मैन, ऋतिक रोशन यू आर सिंपली टू गुड। सिद्धार्थ ने क्या कमाल की फिल्म बनाई है उसके ऊपर? सिद्धार्थ आनंद जो है ही इज मेकिंग सच मूवीज विच आर फास्ट पेस्ड वॉर मूवी विच इज इंस्पायरिंग द यंग पीपल, जो जवान है उसे इंस्पायर कर रहा है, हा? और दूसरी बात यह है, ये पिक्चर हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। क्राउड क्या आता है नहीं आता है ऐसा मतलब नहीं है, बट वर्ड ऑफ माउथ दिस मूवी विल डू वेरी वेल। लास्टली क्या रेटिंग देना चाहेंगे और ऑडियंस को क्या कहेंगे आप? लास्ट 5 out of 5। What do you have to say to the audience who want to watch this film? Definitely, a person who is 5 years old, a person who is 80 years old should watch this movie. Thank you so much. अच्छी फिल्म है? हाँ, एक नंबर है। देशभक्ति से भरी फिल्म है? देशभक्ति से भरी फिल्म है, मैं 5 में 5 स्टार दे रहा हूँ। ऋतिक रोशन का काम कैसे लगा आपको? ऋतिक रोशन अनिल कपूर दोनों का काम बहुत जबरदस्त है। और विलन कितना खतरनाक था? विलन बहुत ज्यादा खतरनाक है सर। क्या लगता है पब्लिक को पसंद आई ये फिल्म? बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। पैसा वसूल हुआ क्या आपका? पैसा एकदम बिल्कुल वसूल, पूरा फुल्ली वसूल। रेटिंग क्या 5 में से? 5 में से 5 स्टार दूंगा। थैंक यू सर। सर, हाउ इज द फिल्म सर? फाइटर नहीं, अभी हम जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू वॉच? ओके।